पिछले कुछ दिनों में आपने वर्क फ्रॉम होम टास्क फ्रॉड के बारे में कई खबरें पढ़ी और सुनी होगी। अब तक लग रहा था कि पहले की तरह गुरुग्राम, मेवात और बिहार में बैठी कोई गैंग इस ठगी को अंजाम दे रही होगी, लेकिन जब इन्हीं साइबर अपराधियों के झांसे में आकर नागपुर शहर का एक केमिकल इंजीनियर करीब 54 लाख रुपए गवा बैठा, जिसकी जाँच करते करते पुलिस को पता चला कि साइबर टास्क फ्रॉड चाइना से बैठकर इस ठगी को अंजाम दे रही है। डीसीपी अर्चित चांडक ने बताया कि इस मामले में मुंबई, राजस्थान और सूरत से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में घाटकोपर मुंबई निवासी आकाश विनोद तिवारी उम्र 29 वर्ष, चांदीवली मुंबई निवासी रवि रामनाथ वर्मा उम्र 33 वर्ष, नालासोपारा निवासी संतोष रामनमी मिश्रा उम्र 39 वर्ष, अमरोली सूरत निवासी मीत हरेश व्यास उम्र 26 वर्ष, विजयनगर राजस्थान निवासी अंकित निहाल सिंह टाटेर उम्र 33 वर्ष और अरविंद महावीर शर्मा उम्र 24 वर्ष का समावेश है। अधिकांश आरोपी सुशिक्षित और संपन्न परिवारों में से है। पुलिस ने बैरामजी टाउन निवासी धनश्याम गोविंदानी उम्र 32 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। धनश्याम केमिकल इंजीनियर है, उन्हें घर बैठे पैसे कमाने का लालच दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो लाइक, रिव्यू और सब्सक्राइब करने के टास्क दिए गए। शुरुआत में उन्हें अच्छे पैसे भी दिए गए, इसके बाद प्रीमियम टास्क पूरा करने के लिए समय समय पर 54 लाख रुपए जमा करवाए गए और बाद में पैसे मिलने बंद हो गए। डीसीपी चांडक ने बताया कि साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा बारीकी से प्रकरण की जांच की गई। एक के बाद एक बैंक खातों की लिंक मिली। मनी ट्रेल का पता लगते ही पुलिस को आरोपियों का सुराग मिला। मुंबई, सूरत और विजयनगर से पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने चाइना में बैठे मास्टरमाइंड को क्रिप्टो करेंसी में पैसा ट्रांसफर किया है। मीत व्यास ने कुछ दिन पहले ही बयानास नामक क्रिप्टो वैलेंस से करीब 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा गुजरात के आंगड़ियों द्वारा भी रकम हवाला के जरिए अलग अलग लोगों को पहुँचाई जा चुकी है। तो कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में टास्क फ्रॉड की कंप्लेंट्स हमें आ रही है एंड कभी कभार रकम छोटी होती है, 1 लाख 1.5 लाख, और हम हर टाइम प्रोएक्टिवली एक्ट करते हुए उसको फ्रीज करते हैं, आरोपी का ट्रेस करते हैं, छोड़ते हैं, कामगिरी करते हैं। परंतु इस वक्त एक 54 लाख के टास्क फ्रॉड का किस्सा हमारे सामने आया था। 27/2023 ऐसा एक गुनाह नोंद हुआ था साइबर पुलिस स्टेशन में 26 अप्रैल को। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो इसमें अराउंड 6 आरोपी सामने आए हैं और ये विविध विविध राज्य से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम हैदराबाद, मुंबई, गुजरात, राजस्थान ऐसे ऐसे जगह गई, जाकर इन 6 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। इसमें मेन मूलभूत बात, और हमारे साथ में हमने 9 मोबाइल फ़ोन्स और अराउंड 19-20 क्रेडिट कार्ड्स, अराउंड 8 लाख की हमने रकम कैश हमको मिली है, जब्त हुई है, और बाकी जो वैल्यू है 37 लाख बैंक अकाउंट्स में हमने फ्रीज किया है, लीन किया है, जो कि कोर्ट के ऑर्डर से विक्टिम को वापस मिलता है। इसमें मुख्य बात यह है, जो एक टास्क फ्रॉड है, ये कैसे हुआ है, ये पूरा जो सामने आया है और ये सबको दर्शाना भी है ताकि लोग सतर्क रहे। नॉर्मली आपको मैसेज आता है टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे कि आप कुछ टास्क करिए, आपको हम पैसे देंगे। उसमें टास्क सिंपल हो सकता है, वेबसाइट पे लाइक करना, रिव्यू करना, यूट्यूब का वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, रीच बढ़ाना, ऐसे करके स्टार्टिंग 1 मंथ, इसको हम कहते हैं, ये मैंने खुद से डिवाइड किया है ट्रस्ट बिल्डिंग फेज, इसको हम कहते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग में आदमी का ट्रस्ट बिल्ड होता है क्योंकि वो कार्य करता है, उसको पैसे वापस मिलते हैं। स्टार्टिंग 1 मंथ में अराउंड 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी रुपए आदमी कमा लेता है तो उसको एक विश्वास हो जाता है आगे वाले के ऊपर कि ये मुझे जेन्युइन बंदा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं इनका काम कर रहा हूँ। आफ्टर द ट्रस्ट बिल्डिंग फेज कम्स द ट्रैप फेज। ट्रैप फेज में आगे वाला उसको लालच दिखाता है कि हम आपको बड़ा टास्क देंगे, 20 लाख का टास्क देंगे, 25 लाख का टास्क देंगे, इसके लिए आप 15 लाख जमा कीजिए ज्वाइनिंग फीस में, प्रोसेसिंग फीस में, एप्लीकेशन फीस में, हमको सीनियर से बात करनी पड़ेगी, अलग अलग टास्क अलग अलग अमाउंट देके खुलते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। तो धीरे धीरे जब ये पैसा जमा करता है विक्टिम, उसके बाद वो एक ट्रैप में फंस जाता है। उसने ऑलरेडी 20 लाख जमा कर चुका है तो वो आशा करता है कि उसका रिटर्न्स हो, तो उसके बाद वो धीरे धीरे जितना हम बोलते हैं उतनी रकम जमा करता है। एक टाइम आता है जैसा इसमें उसने अराउंड 54 लाख जमा की, तब उसको समझ में आया कि मेरे साथ फ्रॉड हो। तो आफ्टर ट्रस्ट बिल्डिंग ट्रैप होती है ट्रेचरी, ट्रेचरी मतलब चीटिंग, फसड़ू, तब आदमी को समझ में आता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई। तो ऐसे 3 फेजेस में टास्क फ्रॉड होता है। जनरली जो अकाउंट्स में पैसे जाते हैं वो अकाउंट्स जो होते हैं वो अकाउंट्स ऑलमोस्ट उन लोगों के होते हैं जिन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है। कभी कभार गरीब लोग भी होते हैं,
कभी कभार लोग होते हैं जिनको मालूम होता है कि मेरा अकाउंट साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उनको बस अपना अकाउंट दे के एक ट्रांजैक्शन कुछ का पैसा मिलता है, 10% 5% ऐसी उनकी कुछ कमाई होती है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन टास्क चाइना से दिए जा रहे हैं। अलग अलग शहरों में बैठकर युवा इन ठगों के लिए काम कर रहे हैं। जांच के दौरान 10 बैंक खातों की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 8 लाख रुपए कैश, 9 मोबाइल फोन और 19 क्रेडिट कार्ड जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने बैंकों के नोडल अधिकारियों से बात कर अलग अलग 10 बैंक खातों में 37 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए हैं। आरोपियों ने अब तक सिटी में कितने लोगों को ठगा है इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इंस्पेक्टर अमित डोलास, एपीआई संदीप बागुल, मारुति शेल के हेड कांस्टेबल गजानन मोरे, सीमा टेकाम, अजय पवार, योगेश काकड़, रवि कुमार कुलसंगे, सुशील चंगोले और रोहित मटाले ने बेहतरीन कार्य किया, इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी जारी किया गया है। एनबीसी न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।